हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन ऑफ क्लास 9 सिविक्स. द नेम ऑफ द लेसन इज डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड. एंड एज वी नो इन दिस लेसन वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड. एज वी नो समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में इसमें स्टडी करना है. एज यू नो डिफरेंट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपुल आर अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपुल अलाउड नहीं होता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में. एक ट्रेड यूनियन बन सकती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रेड यूनियन नहीं बनती है. और डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल इक्वलिटी नहीं होती है. मर्सी ऑफ रूलर के आधार पर चलता है. जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे जो भी रूलर्स होते हैं उनको पीपुल इलेक्ट करते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में एंसेस्ट्रल होता है. ए गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एंड of the people and the rule of the majority is democracy. अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं. दो तरीके का डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. जहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट करते हैं उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं. जहाँ पर प्रेसिडेंट या चीफ लीडर का चुनाव इनडायरेक्ट वे में करते हैं उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है. इस चैप्टर में हमें दो कहानियाँ पढ़नी है. दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इन चिले एंड डेमोक्रेसी इन पोलैंड. चिले की कहानी और पोलैंड की कहानी सुननी है कि किस तरीके से चिले में तख्तापलट हुआ था और पोलैंड में तख्तापलट हुआ था. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चिले एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के अधीन आता है और अमेरिका में है. और वहाँ की कहानी क्या है कि साल्वाडोर एलेंदे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चिले कंट्री इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में साल्वाडोर एलेंदे को प्रेसिडेंट बनाया गया था और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले. और 1970 के दशक में उन्होंने इलेक्शन जीता था. दो हिज रूल वाज ओवर थ्रोन बाई द मिलिट्री जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स ऑन 11 सितंबर 1973. 11 सितंबर 1973 को उनके शासन को मिलिट्रियों के द्वारा उखाड़ फेंका गया था. क्या कहानी थी? एलेंदे के रूलिंग से जो थे वहाँ के लैंडलॉर्ड वगैरह जो थे वो काफ़ी परेशान थे. बींग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ही हैड टेकन सेवरल पॉलिसी टू हेल्प पुअर. डेट इज कॉल्ड रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रेन, redistribution of land to the landless laborer. He also opposed foreign companies from taking natural resource from the country. यानी उन्होंने कुल मिलाकर के उस देश के बेसिक डेवलपमेंट पे फोकस किया था, जिससे वहाँ पे जो भी ग्रेट पर्सन थे अपोजिशन वाले, जैसे द लैंड लॉर्ड्स थे, रिच एंड द चर्च वाले थे, अदर पॉलिटिकल पार्टी जो चिले की थी, उन लोगों ने अपोजिशन करना चालू कर दिया. क्यों? क्योंकि ये गरीबों के हित में ज़्यादा काम कर रहे थे, एजुकेशनल रिफॉर्म कर रहे थे और एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को लेने नहीं दे रहे थे दूसरे कंट्रीज को. और इस वजह से इनके खिलाफ हो गए बहुत सारे लोग. इनके खिलाफ होने के बाद द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट द ऑफिस. जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था जब वो ऑफिस आ रहे थे. और वहाँ के प्रेसिडेंट को बोला गया कि एलेंदे रिजाइन कीजिए, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने के लिए और उस देश को छोड़ने के लिए. और इस वजह से मिलिट्री ने उनके पूरे हाउस को, घर को घेर लिया और बमबारी किया, जिसमें प्रेसिडेंट एलेंदे मारे गए मिलिट्री अटैक में. एंड ऑफ साल्वाडोर एलेंदे गवर्नमेंट. ऑन 11 सितंबर 1973 प्रेसिडेंट एलेंदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक. मिलिट्री अटैक में मारे गए. ही वॉज द सेक्रीफाइस. He was talking about in his last speech. What took place in the story was military coup led by General Augusto Pinochet, army general. The USA government was also unhappy with his rule. जो USA की government थी वो भी एलेंदे से नाखुश थी और इस वजह से उसने जो
अगस्तो था उसका साथ दिया और वहाँ पे सरकार गिराने में मददगार हुआ। उसके बाद आया पिनोसे का रूल। पिनोसे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रूल्ड फॉर द नेक्स्ट 70 ईयर्स। पिनोसे जनरल था और 17 सालों तक शासन किया उसने। फ्रॉम ए गवर्नमेंट डेट वॉज इलेक्टेड बाई द पीपुल द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर। चुनी हुई सरकार से पावर शिफ्ट हो गई जो मिलिट्री ऑफिसर था उसके पास। दे कुड डू एज द विस्ट एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। जैसी मर्जी वैसे चला रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। थस ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज इस्टेब्लिश्ड इन चीले। और इस प्रकार चीले में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप तानाशाही जो थी, सैनिक तानाशाही लागू हो गया। पिनोसे गवर्नमेंट टॉर्टन एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड एलेंदे। अब क्या किया कि जो भी एलेंदे के सपोर्टर थे और जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे उनको या तो जेल में डाल दिया गया नहीं तो मार दिया गया। इंड ऑफ पिनोसे डिक्टेटरशिप। बट कहा जाता है कि सब चीज़ का इंड होता है, तो पिनोसे का भी डिक्टेटरशिप का इंड हुआ। इट बिकेम टू एन इंड आफ्टर द डिसाइडेड टू होल्ड रिफरेंडम। रिफरेंडम जब होल्ड किया गया, रिफरेंडम एक ऐसा तरीका होता है जिसमें डायरेक्ट वोट करके पूछा जाता है यस और नो के बारे में। तो इस तरीके से रिफरेंडम जब पारित किया गया जिसमें कि शासक को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, पिनोसे को ऐसा लग रहा था कि उसके फेवर में वोटिंग होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके फेवर में वोटिंग नहीं हुआ, इस वजह से ही लॉस्ट हिज पावर ऑन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर लॉस्ट हो गई। द होप एलेंदे एक्सप्रेस इन लास्ट स्पीच वॉज रियलाइज। फेलोनी कवर्डाइस एंड ट्रीजन वी आर फाइनली पनिश्ड। इनको पनिश मिलेगा। पिनोसे गवर्नमेंट वॉज कैम टू बी नोन एज नॉट वेरी ब्यूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट। पिनोसे की गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी करप्ट थी और काफ़ी डेट मीन्स कॉल्ड डेंजरस भी थी। अब जैसे इसमें दिखाया है अगस्तो पिनोसे का, आई एम नॉट ए डिक्टेटर, इट इज जस्ट डैट आई हैव ग्रोनी फेस। मिकेल बैचलेट डाउटर ऑफ जनरल बैचलेट हु वाज इम्प्रिजन एंड टॉर्टर्ड एलोंग विथ हर मदर वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिले इन जनवरी 2006 में मिशेल बैचलेट फिर दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुआ और उसमें जीती। ए मेडिकल डॉक्टर एंड ए मॉडरेट सोशलिस्ट मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। पहली डिफेंस मिनिस्टर भी बनी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड वन ऑफ चिलेस रिसेस्ट मैन। चिले के एक सबसे अमीर आदमी को इन्होंने हराया था और इस तरीके से चिले में तख्ता पलट हुआ था। इन हर स्पीच सी सेज बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर्ड आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स डैट हेटर्ड एंड टर्न इट इन टू अंडरस्टैंडिंग टोलरेंस एंड वाई नॉट से इट इन टू लव। डैट मीन्स उन्होंने बोला था कि जो स्थिति पिनोसे ने किया था वैसी स्थिति मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी विक्टिम थी उसका। दूसरी कहानी हमें जो है वो पढ़ना है पोलैंड के बारे में। उससे पहले हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इसमें चीले की कहानी दी गई है कि सल्वाडोर एलेंदे होता है बड़ा अच्छा तरीके से शासन चलाता है, बट पिनोसे जो होता है उसके शासन को गिरा देता है। और आफ्टर डैट 17 साल बाद वो रेफरेंडम लेकर के आता है, रेफरेंडम में हार जाता है और आफ्टर डैट वहाँ पे फिर दोबारा 2006 में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश किया जाता है। दूसरा कहानी है पोलैंड का। इन 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। इन पोलैंड में एक पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी थी, उसके द्वारा शासन किया जाता था। क्या पॉलिसी थी उस पार्टी की और वहाँ की पोलैंड की सरकार की? नो पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फॉर्म। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं किया जाएगा। नो राइट टू चूज लीडर एंड स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का किसी का अधिकार नहीं होगा। गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको कंट्रोल भी और सपोर्ट भी सोवियत यूनियन करता था, यानी रसिया करता था। On 14 अगस्त 1980, the workers of Lenin Shipyard in the city of Gandak went on a strike. 14 अगस्त 1980 को गंडाक सिटी के एक शिपयार्ड कंपनी थी, वहाँ के जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे चले गए। उनकी डिमांड क्या थी? टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर। एक क्रेन ऑपरेटर को बिना वजह निकाल दिया गया था, उसको वापस लो। ए वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। और एक वुमेन वर्कर जो कि बिना किसी कारण से उसे सर्विस से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको वापस लो। ट्रेड यूनियन वाज इलीगल। ट्रेड यूनियन वहाँ इलीगल था। लेक वालेसा एन इलेक्ट्रिशियन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे ज्वाइन द स्ट्राइक। लेक वालेसा जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन था, 1976 में उसे डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से, ये कहते हुए कि वो ज़्यादा पे मांग रहा और स्ट्राइक की धमकी दे रहा।
अब उनकी डिमांड क्या थी? टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की स्थापना की जाए, टू रिलीज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो भी कैदी है, राजनीतिक कैदी, उनको छोड़ा जाए, और प्रेस पर से सेंसरशिप हटा लिया जाए। इंड ऑफ स्ट्राइक कैसे हुआ? द वर्कर्स लीड बाय वेक वलेसा साइंड ए 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ उन्होंने 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया और रिजल्ट क्या निकला? फॉर्म ट्रेड यूनियन एंड राइट टू स्ट्राइक। ट्रेड यूनियन बनाई गई, हड़ताल करने का अधिकार मिला। गंडाक्स एग्रीमेंट वाज साइन, गंडाक की एग्रीमेंट भी साइन की गई। न्यू ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म नेम्ड सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी नाम का एक यूनियन बनाया गया जो कि ट्रेड यूनियन था। रिविलेशन ऑफ वाइड स्प्रिट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स। अब क्या हुआ कि चारों तरफ ये फैल गया कि जो ये गवर्नमेंट चल रही है पूरी तरीके से करप्ट है, मिसमैनेज्ड है, और इसको सरकार चलाने नहीं आ रहा। जनरल जार्स्की इम्पोज मार्शियल लॉ इन दिसंबर 1981। जनरल जार्स्की को उसने क्या किया? मार्शियल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया उस देश में। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडरिटी मेंबर पुट इन प्रिजन। हजारों की संख्या में जो सॉलिडरिटी मेंबर थे, जो कि एक ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, उसको जेल में डाल दिया गया। इन 1988 सॉलिडरिटी अगेन ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक। अब क्या हुआ, 7 साल बाद फिर दोबारा स्ट्राइक हुआ ऑर्गेनाइज तरीके से। पोलिस गवर्नमेंट बिकेम वेकर। इस समय पोलैंड की सरकार जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, और जो सोवियत यूनियन से उसको इकोनॉमिक या जो भी सहायता मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अप्रैल 1989 नेगोशिएशन विद वालेसा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट फॉर फ्री इलेक्शन। और 1989 में फिर दोबारा एग्रीमेंट और नेगोशिएशन हुआ, और दोनों में तय हुआ कि अब इलेक्शन किया जाएगा। सॉलिडरिटी वोन 99 out of 100 सीट्स ऑफ द सीनेट। सीनेट का इलेक्शन में 100 में से 99 सीटें सॉलिडरिटी, जो कि एक ट्रेड यूनियन थी, वो जीत गई। ऑन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट। 1990 में पोलैंड में सबसे पहले राष्ट्रीय राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, और जिसमें एक से कई पार्टियां थी। वालेसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। वालेसा को पोलैंड का प्रेसिडेंट बना दिया गया। जैसे कि जानते हैं, लेक वालेसा एक पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, और उसे 1976 में निकाल दिया गया था ये कहते हुए कि आप ज़्यादा हायर पे मांग रहे हो और स्ट्राइक की धमकी दे रहे हो। वो वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाई पीपल शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्टेड पीपुल ही केवल उस कंट्री को रूल कर सकते हैं। पीपुल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। वहाँ के लोगों के पास अपने भावों को व्यक्त करने का अधिकार होता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है, आज़ादी का अधिकार होता है। और ये दूसरा फेस दिखाया जा रहा है कि 1970 से 2000 तक डेमोक्रेसी धीरे 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 फैलने लगा। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण हुआ, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया, और नॉर्थ अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया। एशिया और अफ्रीका में भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी फैलने लगा एंड कंटिन्यू टू बी डेमोक्रेसी। घाना कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिनों तक घाना को डेमोक्रेसी नहीं मिली थी। बाकी 1957 में ये प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट बने, और इस तरीके से घाना भी डेमोक्रेसी में आ गया। 1991 में हुआ क्या था? द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन। सोवियत यूनियन अपने आप ख़त्म हो गया, और न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी नए नए देश बन रहे थे वो सबके सब डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का धीरे धीरे फैलाव होने लगा, और ग्लोबल लेवल में भी डेमोक्रेसी का फैलाव होने लगा। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, तो अब 193 मेंबर्स है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन एंड एवरी ईयर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन ईच एंड एवरी ईयर होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें USA, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है, और 10 non-permanent मेंबर्स होते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबसे बड़ी मॉनेटरी फंड होती है, जिसमें 187 मेंबर्स है। USA, जापान, फ्रांस, UK, सऊदी अरब, चाइना एंड रसिया हैव वोटिंग पावर, इनके पास वोटिंग पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज नॉमिनेटेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ US प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट होगा वो सिटीजन ऑफ US होगा, यानी US की ही हेगमोनिकल पावर चलती है वर्ल्ड बैंक में। ये इराक को दिखाया गया है। इराक कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। 1932 इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1968 रूल्ड बाय अरब
सोशलिस्ट ब्लीडिंग पाथ पार्टी इन विच सदाम हुसैन प्लेड ए की रोल। 1979 सदाम हुसैन बिकॉम प्रेसिडेंट एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। 2003 US इन्वेड इराक एंड रिमूव सदाम फ्रॉम पावर। 2006 सदाम हुसैन वाज डाइड और किल्ड। ये इराक के बारे में दिखाया गया है और इस तरीके से चेंज टू प्लेस इन इंडियन नेबरहुड और भारत के आसपास जो भी देश है उनमें भी चेंजेज हुए। पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि टू कंट्रीज मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990। हाउएवर चेंजेज वे आर नॉट परमानेंट इन पाकिस्तान एज इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल देयर। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है बट यहाँ पे बार बार मिलिट्री रूल हुआ है। नेपाल में मोनार्ची था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लागू किया गया था 2005 में। जो राजा था वहाँ पे उसको डिसमिस कर दिया। इन 2007 एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्ची ख़त्म कर दिया गया और 2008 में फिर दोबारा इलेक्शन यहाँ पे हुआ। वैसे म्यांमार है, अलग अलग दिखाया गया है ये चीज़ें। और इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज सबसे ज़्यादा जो माना जाना शासन सिस्टम है वो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज द मोस्ट वे ऑफ रूलिंग। सो वी आर जस्ट गोइंग टू अडॉप्टिंग डे टू डे डेमोक्रेटिक सिस्टम।